नमस्कार। बरेली कटरा चांद खान में रहने वाली एक संगीता नारी सेवा समिति के सदस्यों के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचकर अपने ही जेठ के लड़के जेठानी और उसके साथियों की शिकायत करते हुए कहा कि जेठ धीरज का लड़का आए दिन उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित करता रहता है और शराब के नशे में वह गंदी गंदी गालियाँ देता है। जब उससे मना किया जाता है तो वह उन्हें धमकी देता है कि ज़्यादा बकवक की तो उन्हें मार दूंगा। साल 2019 के आखिरी दिन वह नशे में धुत अपने साथियों के साथ घर आया और गालियां देने लगा। मध्य रात्रि में उसने आतिशबाजी शुरू कर दी, जिसमें उसने उनके घर के कुंडे में एक रस्सी में पटाखे बांधकर आग लगाकर उन्हें और उसके घर को जलाने की कोशिश की। शोर सुनकर जब व्यवहार निकली तो उसने संभवतः एक बारूद का गोला उनकी तरफ फेंक दिया, जिससे वह बाल बाल बच गई। पीड़ित महिला ने आगे बताया कि डायल 112 को कॉल किया तो पुलिसकर्मी आए, पर उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की। हमारे सहयोगी भी इस मामले की पड़ताल पुलिस से कर रहे हैं ताकि हकीकत सामने आ सके। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम यास्मीन है। जी बताना चाहेंगे कैसे आना हुआ आपको? हाँ जी, दरअसल ये मेरी हमारी संस्था की मंडल अध्यक्ष है जी। इनकी दो दिव्यांग बेटियां हैं, इनकी पड़ोस में किसी से थोड़ी सी कहा सुनी हो गई है, उसकी वजह से इनके घर में सीसीटीवी फुटेज भी लगे हैं। इनकी दो दिव्यांग बेटियां हैं, उन्हें उड़ाने की के लिए उन्होंने सुतली बम फेंके हैं छतों पे, आग लग जाती कुछ होती इनको पूरे घर को जलाने की कोशिश की, और सीसी फुटेज कैमरे में भी है। और जब हम लोग बरादरी जाते हैं तो बरादरी में उन्हीं का पक्ष लिया जाता है, सीसी फुटेज देखने के बाद भी नहीं है। आप एक बार बताइए, हम ही लोग सुरक्षित नहीं हैं तो कैसे होगा? वो घूम रहे हैं भाई, या तो कोई प्रूफ ना हो। प्रूफ देने के बाद हार के हमें यहाँ आना पड़ा, सर से बात करनी पड़ी, सर ने तुरंत आर्डर करे हैं FIR के। हम जानना चाहेंगे कैसे आना हुआ आपके यहाँ? हमारे यहाँ 31 को कुछ अराजक तत्वों ने, जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, इन लोगों के ऊपर पहले से ही बहुत से मुकदमे चल रहे हैं। हमारे घर पे सुतली बम फेंके हैं, जब उनको मना करा तो गाड़ी गलौज की, फ्रंट गेट पे भी आके फेंके, जिसमें मेरे सारे सीसीटीवी फुटेज में सारी फुटेज हमारे पास मौजूद हैं। और बताइए, हम जब सामाजिक संस्था चला रहे हैं, अब हमारे साथ खैर साहब ने, आपने एप्लीकेशन दी है, उसमें आप बता रही हैं कि आपकी दिव्यांग बेटियों को मारने की साजिश रची गई है। मेरी दो दिव्यांग बेटियां हैं, हम उनको घर पे अकेले छोड़ के जाते हैं, और जो है कहीं भी हम सामाजिक संस्था के काम से जाते हैं तो उन्हें हम घर में अकेले छोड़ के जाते हैं। अब हमें जब ये घटना हुई तब आप घर में मौजूद थी? जी बिल्कुल, हम घर में मौजूद थे, और हमने जब ये चीज़ें कैमरे में देखी तो मैं बाहर निकल कर FIR दर्ज कराई आपने? हाँ जी, हमारे आदेश हो गए, साहब ने निष्पक्ष न्याय करते हुए आदेश किए हैं। आगे संगीता ने बताया कि यही दबंग प्रवृत्ति के लोग पहले भी उनके घर के सीसीटीवी कैमरे को तोड़ चुके हैं। पुलिस को इस विषय में पहले भी बताया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई किए बिना मामले को कचरे में डाल दिया। इस घटना से पूरा परिवार सहमा हुआ है, उन्हें डर है कि कब यह लोग उन्हें जान से मार दें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।